हेलो फ्रेंड्स, बंदना की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मूली के पत्ते का सलाद, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है और हेल्दी के साथ साथ खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसके लिए ये देखिए, मैंने मूली ले लिया है, दो टमाटर है, नींबू है, हरी धनिया है और ये मूली के पत्ते हैं। इसको मैंने धुल के अच्छे से साफ कर लिया और ये छोटे छोटे मूली के जड़ हैं, क्योंकि ये खेत की मूली थी, पत्ते बहुत अच्छे थे तो इसलिए मैंने सोचा लाओ मैं इसका सलाद बनाती हूँ। और इसका सलाद मेरे घर में सब रोज खाते हैं बना के, मूली के पत्ते का बहुत अच्छा लगता है। मूली के पत्ते के सलाद के साथ आप रोटी खाओ, बहुत अच्छा लगता है रोटी से। इसे एकदम बारीक बारीक काटना है, क्योंकि जितना बारीक रहेगा ना मेरा मूली का पत्ता, उतना अच्छा सलाद बनेगा। और आप यकीन मानिए, 10 दिन तक इस तरह से आप मूली के पत्ते का सलाद बना के खा लो, कितना भी मतलब वो आपका बाल झड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, चेहरे में बिल्कुल चमक आ जाएगी, मतलब बहुत ही अच्छा होता है। ये फाइबर से भरपूर होता है मूली में, तो आप लोग को मालूम ही है कितना ज़्यादा प्रोटीन विटामिन होता है, फाइबर भी होता है मूली के पत्ते में, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। ये पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है मूली के पत्ते का सलाद। आप खाइए ना इसे, इस तरह से बना के खाएंगे ना तो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। अगर आप कभी कभी ये होता है कि मन नहीं करता आज सब्जी नहीं बनाएंगे, तो आप दाल बनाइए और उसके साथ मूली के पत्ते का इस तरह से सलाद बनाएंगे ना, तो सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इतना बारीक बारीक मैंने काट लिया है। अब मैंने इसका डंठल थोड़ा निकाल दिया था, ये इसको भी आप निकाल देना, क्योंकि ये थोड़ा कम अच्छे लगते हैं। इस तरह से टमाटर भी बारीक बारीक काट लेंगे। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दूंगी, सरसों के तेल से ना सलाद का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और मैं इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दूंगी। एक छोटा सा टुकड़ा और निचोड़ दूंगी नींबू का। बस अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। धनिया की पत्ती भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये 1 टीस्पून मैंने काला नमक डाल दिया है। आपके पास काला नहीं है तो आप सादा नमक भी डाल सकते हो। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी पूरा नीचे से ऊपर तक। तो जो मैंने इसमें तेल डाला है, जिससे कि इस तरह से आप कर दोगे तो जो इसमें तेल है वो अच्छे से लग जाएगा। ये देखिए मेरे मूली के पत्ते का सलाद बन के रेडी हो गया है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और हेल्दी तो है ही, ये तो आप सबको मालूम है। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग भी बनाना और हमें कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा मूली के पत्ते का सलाद जो है। और प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना। और मैं अब चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।